हिंदू वोट को एकजुट करने की बात है और वो कोशिश शुरू भी हो गई है। देवेंद्र, अभी जो हम चुनाव प्रचार देख रहे हैं, जेपी नड्डा की बात भी हम सुन रहे थे, हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, बीजेपी पूरे तरीके से चुनाव का अब जो मुद्दा है वो शिफ्ट करने में लगी है। जो रावण शब्द कल मल्लिकार्जुन ने कहा था, इसका फायदा बीजेपी को कितना होगा, क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड तो यही बताता है कि कांग्रेस की जबान फिसलती है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंच जाता है। बिल्कुल प्राची, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कि अब तक 2006 के बाद से अब तक 82 दफा ऐसा हो चुका है जब कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्सनली टारगेट किया है और हर बार बीजेपी उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाती है और अपने फायदे में जाहिर तौर पर उसका इस्तेमाल करती है। और आप देखें तो शायद ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी एक सोची समझी रणनीति के तहत यह काम कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले दिन में बोले कि असत्य के सौदागर हैं, फिर उस पर जब बहुत करंट नहीं हुआ तो अगले दिन आके आप रावण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है आम आदमी पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी भी सशंकित होगी और शायद वहां पे वो मैसेज देना चाह रहे होंगे कि मोदी के सबसे कट्टर आलोचक वो है कांग्रेस पार्टी है। हालांकि ओवरऑल रिजल्ट के हिसाब से देखें तो ये उल्टा ही दाव पड़ता है। दूसरी चीज़ की एक दिलचस्पी मैं आपको बताऊँ कि कल जो गुजरात बीजेपी अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल अचानक राजकोट गए और बिहार में जो अभी बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है और यहाँ पे वो पिछले 20-25 साल से यहाँ पे संगठन महामंत्री का काम वो कर चुके हैं। कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद कार्यकर्ताओं के साथ जो सबसे बेहतर कनेक्ट किसी का है तो वो भीखूभाई जो कि संगठन महामंत्री उनका है, बिहार से उनको वापस बुला गया। कल राजकोट की जो सीटें जो भीतरघात के चलते डैमेज हो रही थी उनको डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। तो ओवरऑल आपको दिखेगा कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है ऑल आउट अटैक की है और ऐसे में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह का बयान देंगे, चाहे उनका मकसद जो भी रहा हो, बीजेपी तो अपने फायदे में उसका इस्तेमाल करेगी, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में वो स्ट्रैटेजी बनाने बीजेपी ने शुरू भी कर दिया। चूंकि राजकोट का जिक्र किया देवेंद्र ने, तो देने राजकोट पर चुनाव भी होने हैं पहले फेज में। राजकोट पूर्व सीट की अगर बात करें तो ये वीवीआईपी सीट है, उदय कान्नड़ बीजेपी के यहाँ पर कैंडिडेट हैं और इंद्रनील राजगुरु कांग्रेस के यहाँ पर कैंडिडेट हैं। जो राजकोट पूर्व का चुनाव है इस बार कहा जा रहा है कि बहुत दिलचस्प है और ये बहुत आसान नहीं है किसी भी पार्टी के लिए इस सीट पर चुनाव जीतना, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या कौन से फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं? देखिए, राजकोट पूर्व की सीट ऐसी सीट है जो इंद्रनील राजगुरु 2012 में भी जीत चुके हैं और यहाँ का जो साइजेबल मतदाता है बड़ी संख्या में वो आपको मुस्लिम दलित ओबीसी वर्ग के बहुत सारे राजकोट पूर्व के इलाके हैं, कोठारिया रोड वाला इलाका अगर आप ले लें, जंगलेश्वर वाला इलाका ले लें, जो बहुत ही डीप पॉकेट्स हैं इन कम्युनिटीज के, वहाँ पे इंद्रनील राजगुरु जो है वो काफी स्ट्रांग है और उसी के बलबूते पे वो 2012 में भी अपना चुनाव जीते थे। उदय कानगढ़ जो है वो नए कैंडिडेट हैं और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अरविंद रैयाणी जो पूर्व सरकार में मंत्री भी थे उन्हें इस बार उनका टिकट काट के उदय कानगढ़ को खड़ा किया गया, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के कुछ अंदर खींचतान चल रही है जो उदय कानगढ़ को काफी मुश्किल भी पेश आ रही है, उसकी वजह से उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन क्योंकि अर्बन सीट है, ज्यादातर वोटर जो है वो बीजेपी के साथ पहले से अटैच्ड है, इसलिए बीजेपी उसका फायदा जरूर उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अगर खुद ना जीत पाए तो अपना वोट उसकी तरफ शिफ्ट करने की भी तैयारी रख रही है। तो ऐसे समीकरणों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सीट जो है ये इस बार एक अच्छे फाइट में आ गई है। बीजेपी के लिए जो इजी मानी जा रही थी सीट उतनी इजी नहीं लग रही है राजकोट पूर्व की, राजकोट पश्चिम के कंपैरिजन में। राजकोट पश्चिम जो है वो गढ़ माना जाता है बीजेपी का, लेकिन राजकोट पूर्व जो है वो इस बार इंद्रनील राजगुरु अगर आम आदमी पार्टी से खड़े होते तो डेफिनेटली जीतने की उम्मीद लग रही थी, लेकिन उन्होंने आखिरी दम पे आम आदमी पार्टी छोड़ दी, बाद में खुद खड़े हुए। आम आदमी पार्टी को हालांकि नहीं जिताना चाहते वो, लेकिन अब प्रायोरिटी बदल गई है कि बीजेपी को नहीं जिताना है, इसलिए हो सकता है दोनों साथ में मिल जाए। बिल्कुल, और इस सीट पर इसीलिए मुकाबला दिलचस्प है। इसके अलावा एक और सीट की बहुत चर्चा इस चुनाव में हो रही है दिलीप जी, वो मोरबी की है। मोरबी में एक हादसा होता है और पूरी की पूरी कांग्रेस लग जाती है इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने में। क्या ये बड़ा मुद्दा बन पाया है गुजरात इलेक्शन में? क्या ये ऐसा मुद्दा है जिससे वोटर्स प्रभावित होंगे और खासकर मोरबी सीट पर इसका प्रभाव पड़ेगा? और कांतिलाल अमृतिया जो काफी चर्चा में आए इस हादसे के बाद भी, उन्हें कोई नुकसान होगा? नहीं, वो इस तरह से चर्चा में आए तो कैंडिडेट बदल दिया गया। हम ये मान के चल रहे थे कि ब्रिजेश मिर्जा को ही रिपीट किया जाएगा, लेकिन जिस दिन हादसा हुआ उस दिन कांति अमृतिया सबने देखा, वो मच्छू नदी में गए थे और काफ़ी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे, तो मुझे लगता है इसीलिए स्ट्रेटेजिकली बीजेपी ने लास्ट मोमेंट पे कैंडिडेट चेंज करके कांति अमृतिया को ही वो टिकट दिया। एज इट इज़ वो दावेदार तो थे ही, और अगर उसको नहीं दिया गया होता तो प्रॉब्लम होने वाला था, लेकिन उसको दे दिया
तो मुझे लगता है वो ये थोड़ी सी वो सीट बचाने की कोशिश है। वो बहुत चर्चा में नहीं आया मोरबी का पूरा जो माहौल है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत असर उसका मोरबी में भी हो सकता है और पूरे सौराष्ट्र में हो सकता है, क्योंकि ऐसा हादसा है। इसके बाद जो हुआ वो मुझे लगता है लोगों को ठीक नहीं लगा, इतना बड़ा हादसा हो गया है। अगर किसी ने सॉरी बोला होता या तो किसी ने बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त किया होता या तो फिर जो भी उसके लिए जिम्मेवार है उसके सामने हम काम कर रहे हैं ऐसा अगर दिखाया होता, वो नहीं दिखा, छोटे छोटे लोगों के सामने FIR की गई, मुझे लगता है वो मुद्दा थोड़ा बहुत चला है। लेकिन बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं सौराष्ट्र में, इसलिए बाकी अलग अलग सीटों पर अलग भी चल रहा है, थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन बाकी जो कैलकुलेशन इस तरह से आ गए हैं तो शायद एक दूसरे को काटेंगे और बैलेंस हो जाएंगे। कांति अवरुतिया की वजह से कम फिर से मोरबी में बीजेपी फाइट में तो आ गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।